Welcome back to my channel, The Foodie Nightingale. I hope everyone is doing good. So, in today's video, I'm going to tell you how to make dry namkeen dalia. Yes, this you can enjoy in your breakfast, lunch, dinner, or even with your evening tea. But before starting the recipe video, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for the future updates of my channel. और अगर आपको नमकीन दलिया की रेसिपी पसंद आए देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो लेट्स गो। एक कप दलिया ले ले, यहाँ मेजरमेंट से 200 ग्राम। उसे अच्छे से धो ले। ये देखिए, इस तरह पानी से अच्छे से धो ले। अब प्रेशर कुकर लीजिए और उसमें धुला हुआ दलिया ऐड कर दें और पानी लीजिए 300 ml। यहाँ आप उसी कप से भी पानी मेजर कर सकते हैं जिस कप में आपने दलिया लिया था। इससे ज़्यादा पानी मत लें। ये देखिए, पानी का लेवल इतना ही होना चाहिए। ज़्यादा पानी होगा तो दलिया बहुत स्टिकी बन जाएगा। अब कुकर बंद करके एक विसल करवा लें। गैस ऑफ करने के बाद किसी चम्मच की मदद से बाकी की स्टीम भी निकाल दें। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इसी स्टेप की वजह से हमारा दलिया दानेदार बनेगा और अलग अलग टेक्सचर आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह, थोड़ा सा करछी की मदद से इसे अलग अलग कर लें ताकि लम्स ना बने, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब एक पैन या कढ़ाई ले लें और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल के डालें। इसमें मस्टर्ड सीड डालें, राई 1 छोटा चम्मच, और इसे तिड़कने दें। एक बड़ा प्याज डाला है मैंने लंबा काट कर। अब थोड़ी सी जगह बनाकर हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे अच्छे से मिला दें। अब हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। कड़ी पत्ता ऐड करें 4 से 5, हरी मिर्च डालें, मैंने 2 हरी मिर्च चॉप करके डाली हैं। हरी मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो इसे स्किप ना करें। और अब हम डालेंगे कद्दूकस की हुई 2 गाजर। ये सारा मसाला हम लो मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं, हाई फ्लेम पर मत बनाएं, और इसे अच्छे से मिला दें। हल्दी डालना ऑप्शनल है, मैं यहाँ चुटकी हल्दी डाल रही हूँ। ये देखिए, इसे मिला दें। नमक 1 छोटा चम्मच, यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। इस सबको मिला दें अच्छे से। मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें दलिया मिला देंगे, ये देखिए, और 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे थोड़ा सा कुक कर लें, हिलाते रहें। इसमें रोस्टेड काजू और मूंगफली भी डाल सकते हैं, और लास्ट में धनिया पत्ता से गार्निश करें। इसे गरम गरम सर्व करें एंड एंजॉय। तू सब जानदा है मैं छड नहीं सकदी तेनु, ताही तू उंगला दे रोज न चाहना मैनू अगले जन्म विच अल्ला, ऐसा खेल रचा के भेजे मैनू तू बना के भेजे तेनु मैं बना के भेजे, वे फिर तेनु पता लगना है कि वे पिता जांदा पानी खारा खारा वे तू मैनू छड जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा वे मैथों तेरा मन भरिया।